प्रभात। आज हम सभी पोंडिचेरी आश्रम की ही एक साधिका सुनंदा देवी द्वारा लिखी गई पुस्तक स्टोरीज एंड प्लेस फॉर चिल्ड्रेन की एक एकांकी इन सर्च ऑफ रिचेस का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उमा के घर का बैठक कक्ष। तीन बच्चे उमा, रूपा और विनू स्टेज के सामने बढ़ते हुए। तीनों अभी अभी एक भाषण से लौटकर आए हैं। मुझे भाषण एकदम पसंद नहीं आया, बैठे बैठे उब गई थी। किंतु तुम्हें सुनना चाहिए था रूपा, कल कक्षा में तुम्हें आज के भाषण के बारे में कुछ पूछा गया, तब तुम क्या इसी कारण भाषण में जाया करते हो? केवल सुनने के बजाय कुछ याद भी रखा करो। क्या तुम इन भाषणों से कुछ जानने का प्रयास नहीं करते? इन भाषणों से क्या प्राप्त किया जा सकता है छोटी दार्शनिक? अगर यह एक नाटक होता तो तुम कितना खुश होते, और अगर पार्टी या फिर नाच होता तो पार्टी अलग थी, परंतु भाषण में क्या रखा है? मुझे हमेशा इस प्रकार के भाषण में कुछ न कुछ मिल ही जाता है। इन लोगों की बातें हमें बेहतर बनाने में सहायता करती है, परंतु आज का भाषण कुछ समझ में नहीं आया। वक्ता ने हमें वफादार, सत्यवादी, आज्ञाकारी, सच्चा होने को नहीं कहा। सच? उन्होंने आज केवल धन के बारे में चर्चा की। हाँ विनू, तुमने सही कहा, उन्होंने बहुत बार इस शब्द का प्रयोग किया, परंतु मुझको इसका सही मतलब नहीं पता। हमें भी नहीं। काश हमें इस शब्द का अर्थ पता होता तो आज की चर्चा कुछ समझ पाते। मैं जाकर शब्दकोश में देखती हूँ। उमा, तू फिर से लेकर चिंतित हो गई? छोड़ो यह सब बातें। हाँ, चाय का समय हो गया है, सभी चलो। कैसा रहा तुम्हारा दिन? वक्ता ने कुछ अच्छी बातें कही, पर कुछ बातें समझ में ही नहीं आई। पिताजी, धन का क्या मतलब है? ये रही मेरी छोटी सी गुड़िया, कैसा रहा तुम्हारा दिन? वक्ता ने कुछ अच्छी बातें कही, पर कुछ बातें समझ में ही नहीं आई। पिताजी, धन का क्या मतलब है? इसे कहते हैं धन, गुड़िया रानी। परंतु इसे तो पैसा कहते हैं पिताजी, बोलिए ना धन क्या है? देखो, इन्हें भी धन कहते हैं। नहीं पिताजी, आज चर्चा में इस धन के बारे में नहीं बताया गया। यह तो रुपए है, इससे तो हम दुकान से वस्तुएं खरीदते हैं। उन्होंने किसी और धन के बारे में बताया है। बेटी, तुम धन के बारे में पूछ रही थी? अच्छा सुनो, व्यवहार में मिठास, उदार हृदय वाला और परोपकारी, यही सब सच्चा धन है। पुष्पो, क्या तुम्हारे किसी किताब में धन के विषय में कुछ लिखा है? उमा, मुझे बाकी सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, परंतु मेरे लिए तो यही मेरा धन है। क्या बातें हो रही उमा, क्या तुम धन के बारे में पूछ रही थी? इसे कहते हैं धन। यह तो गहने हैं, तुम्हारे गहने, यह धन नहीं है। धन मतलब ऐसा कुछ जिससे आप पूरी तरह परिपूर्ण होते हैं। इसकी अनुभूति कुछ ऐसी होती है जैसे किसी परी की मुस्कुराहट या फिर फूलों की सुगंध। क्या ये गहने, यह सिक्के, यह किताबें कुछ भी तुम्हारे धन का परिपूरक नहीं है? आप यह सब बंद करो, चाय का समय हो गया है। आओ उमा, तुम दूसरी वस्तुओं के बारे में सोचो, जैसे फूल, पक्षी, परियां।
तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए। बच्चे खेल रहे हैं, पौधे को दुलार कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चारों ओर मौनता, तथापि एक मिठास और खुशी का वातावरण छाया हुआ है। उमा धीरे धीरे मंच पर आती है। वह बहुत दुखी है, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर अचंभित रह जाती है। कुछ बच्चे उसकी ओर दौड़ कर आते हैं। ओ देखो देखो, एक नई बच्ची आई है। तुम सभी इस सुंदर से बगीचे में क्या कर रहे हो? तुम सभी कितने खुश और हंसमुख लग रहे हो, परी की कहानियों की तरह। जब तक हम सभी परी माँ के छत्रछाया में हैं, हमें किस बात की चिंता? तुम सब किसकी बात कर रहे हो? परी, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। हम सब यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, जब तक कि हम अच्छा काम करें। परंतु तुम सब ये करते कैसे हो? कौन सिखाता है? परी के लिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, तुम अपने आप ही कर लोगी, क्योंकि परी स्वयं ही तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हें कोई बड़ा तुम्हारे काम को करने में रोकता नहीं? ये तो आनंद की बात है। परी को छोड़कर ये करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम सब यहाँ पर कब से हो? 3 साल। 4 साल। 2 साल। मैं पिछले साल आया हूँ। तुम कब आए हो? मैं कब आया? मैं तो यहाँ हमेशा से हूँ। हमेशा से? तुम्हारा जन्म क्या यही हुआ है? नहीं, किंतु जब यहाँ आया था बहुत छोटा था, इसे कुछ भी याद नहीं कि कहाँ से आया है। अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ सही जवाब के तलाश में आई हूँ। मैं धन का अर्थ खोज रही हूँ। धन? कोई जाओ और जाकर धन के फूल लेकर आओ। धन के फूल? वाह, इतने सुंदर फूल! मैंने इससे पहले कभी इतने सुंदर फूल नहीं देखे। क्या इन्हें ही धन कहते हैं? हाँ, यही धन है जो कि मातृभूमि के बगीचे में हुए हैं। कोशिश करो कि इस प्रकार के धन तुम भी अपने बगीचे में उगा सको। चलो, प्रार्थना का समय हो गया है, चलो फूल इकट्ठा कर ले। आज मैं सच्चाई और कल्पना लूंगा। मैं संवेदनशील प्यार लूंगा। मैं लूंगा गांव में प्रसन्नता। मैं लूंगा दिव्य उपस्थिति और उद्घाटन। मैं लूंगा शांति। कहाँ से मिलेगा तुम्हें यह सब? अलग अलग फूलों से। ओ, तुम्हें ये नहीं मालूम? हम परी से बातें करते हैं, जब वो प्रार्थना के माध्यम से इन फूलों से आती है। ये फूल परी रानी से वो सब बोलते हैं, जो हमें चाहिए तब वो हमें वो सब देती है। किंतु कैसे? हमें ये सब नहीं मालूम। तुम परी रानी के पास क्या ले जाओगी? क्या मैं प्रार्थना तक रुक सकती हूँ? क्या परी रानी मुझे इसके लिए आज्ञा देंगी? क्यों नहीं, जरूर। वह इतनी प्यारी और संवेदनशील है कि उनके दिल में सबके लिए जगह है। क्या दैवीय सहायता नामक कोई फूल है? ओ हाँ, उसके बिना हम कैसे रहे?